नमस्कार, मैं प्रियरंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में, कि इस स्टॉक का क्या फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है और अगर आपने होल्ड कर रखा है तो आपको एग्जिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस एपिसोड में लास्ट तक जरूर बने रहे। इस समय ये स्टॉक 40 पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है और काफी लंबे समय से हमने देखा कि 38 से 45 के बीच में ट्रेड होते हुए आ रहा है। कुछ समय पहले अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपने भी देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसा कहा कि एसबीआई बैंक जैसे 4-5 बैंकों की जरूरत है इस देश को। इसके बाद से जितने भी छोटे बड़े बैंक हैं गवर्नमेंट के, उस बैंक में काफी तेजी देखने को मिला है। लेकिन इन सबो बैंक में अगर मेरा पर्सनल च्वाइस कहा जाए तो मैं पीएनबी को दूंगा। हालांकि फंडामेंटल कुछ समय पहले बहुत खराब थी और हर 5 दिन जो है फ्रॉड हो जाया करता था, लेकिन वो सब अब छटते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटल भी ग्रो कर रहा है और रिस्क रिवार्ड इस बैंक के अंदर बहुत शानदार मुझे दिख रहा है। यहां इस बैंक में, इस स्टॉक में गंवाने को कुछ है नहीं। आराम से 40 के प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, 38 का प्राइस आइडियल बाइंग है और 35 के स्टॉप लॉस को फॉलो करें और टारगेट कम से कम 100 रुपया तो आपको दिखेगा ही दिखेगा अगले 2 साल बाद। इस बैंक में रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल लगता है, इसीलिए इस स्टॉक को अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। नमस्कार।